बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा, मगर उससे पहले सभी 10 टीमों का दो दो प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। आपको बता दें, आज श्रीलंका और बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी 10 देशों ने अपने स्क्वाड का ऐलान पहले कर दिया था, मगर इस स्क्वाड में बदलाव के लिए आखिरी तारीख जो रखी गई थी वो 28 सितंबर यानी कि कल की थी। ऐसे में भारतीय टीम ने इस दिन अपने स्क्वाड में एक बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि भारत की जो फाइनल टीम है वो घोषित कर दी गई है। चोट से जूझ रहे स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम से बाहर किया गया है। आप सबको पता है कि जिस तरीके से अक्षर पटेल फॉर्म में थे, उनको वनडे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन चोट के कारण वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें खेल नहीं पाए। वहीं उनकी जगह ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया गया है। अश्विन को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी मौका दिया गया था, जहां उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया था, जबकि अक्षर सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे तक फिट नहीं हो सके। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से पहले दो प्रैक्टिस मैच खेलने हैं। टीम को अपना पहला प्रैक्टिस मैच 30 सितंबर यानी कि कल इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेलना है। इसके लिए अश्विन समेत पूरी टीम गुवाहाटी पहुंच गई है। प्रैक्टिस मैच के लिए गुवाहाटी पहुंची भारतीय टीम की। आपको बता दें, वर्ल्ड कप से पहले सभी वार्म अप मुकाबले 3 वेन्यू यानी कि गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद में खेले जाएंगे। भारतीय टीम को अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच 3 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है। यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए भारत को जो फाइनल स्क्वाड आया हम आपको बता रहे हैं, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सुमन गिल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या कप्तान, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविचंद्रन अश्विनी। बिल्कुल यह नाम चौंकाने वाला होगा, लेकिन ये कल बदलाव किया गया। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर। अगर बात की जाए इस तरीके से कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाने वाला है, प्रैक्टिस मैच है वो। आपको ये भी पता होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच काफ़ी लंबे अरसे से कोई सीरीज खेली नहीं गई है। ऐसे में जो भारतीय टीम है वो ये चाहेगी कि कल जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो एक मौका मिलेगा इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का, उसमें ये पूरा दमखम दिखाएं। वैसे मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, भारतीय टीम को कम से कम 6 गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए। रीजन उसका है कि एशियाई टीम को छोड़कर बाकी जो टीमें हैं वो स्पिन के खिलाफ उतना अच्छा खेल नहीं पाती। 6 बॉलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये चाहेंगे कि आपकी टीम उस तरीके से उतरे, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला, वर्ल्ड कप में आप कोई गलती नहीं कर सकते। आपके पास प्रैक्टिस मैच बचे हैं, आप सारा प्रैक्टिकल इसी में कर लीजिए। मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रवींद्र जडेजा, क्योंकि ये तीनों आपके ऑलराउंडर के तौर पर भी आएंगे, जो नंबर 7-8 तक आपको बैटिंग भी देंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और एक एक्सपीरियंस स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव का फॉर्म भी बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने पिछले कुछ समय से अपने खेल में जो बदलाव किए हैं वो काफ़ी दिलचस्प रहा। वनडे की बात कर लें, T20 की बात कर लें या टेस्ट की बात कर लें, वो हर फॉर्मेट में एक ही जैसा खेलना पसंद करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो चढ़कर खेलते हैं। विपक्षी टीम को वो दबाव में लाने के लिए, विपक्षी टीम के गेंदबाजों को दबाव में लाने के लिए बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। जिस तरीके से डेविड मलान की बात कर लें, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बढ़िया प्लेयर हैं। उनके पास जिस तरीके से लियम लॉन्गस्टन हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया हिट्स लगाते हैं, अच्छे गेंदबाजों को पसीने छुड़वा देते हैं। आप बात कर लें मोइन अली की, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं वो, अपने बल्ले से और अपने गेंदबाजी दोनों से वो पराक्रम दिखाते हैं। रेसी टॉपली को टीम में शामिल किया गया, मार्क बोर्ड एक अच्छे पेसर की भूमिका निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जो पूरा स्क्वाड अपना है ये फाइनल करके इस मैच में उतरना चाहिए, और इस प्रैक्टिस मैच में इनको कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लैंड से लोहा लेते हुए वो मैच जीतें, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्टिंग में अगर आपका मनोबल हाई रहेगा तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिलहाल खेल का अड्डा में इतना ही। धन्यवाद।